कोरल्स। ओशंस में रहने वाले ये अमेजिंग से क्रिएचर प्लांट जैसे लगते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये प्लांट्स नहीं, एक्चुअली में एक तरह के एनिमल्स हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते। कोरल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर हैं, और इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो बेसिकली ये एक तरह के मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये बिना बैकबोन वाले ऑर्गेनिज्म्स हैं। दुनिया में इनके अबाउट 6,000 स्पीशीज हैं। इन कोरल्स को क्लोजली देखा जाए तो पता चलेगा कि ये एक ही तरह के छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जिनको पॉलिप्स कहा जाता है। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये बड़े प्लांट जैसे लगते हैं, और इन बंच ऑफ पॉलिप्स को कोरल कहा जाता है। कोरल्स का खुद का कलर या तो ट्रांसपेरेंट या वाइट होता है, पर क्योंकि इनके टिश्यूज पे एल्गी चिपकी होती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लगते हैं। और एल्गी कोरल्स की सिम्बायटिक फ्रेंड है, जिसका मतलब ये है कि एल्गी और कोरल को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। तो अब कोरल रीफ्स के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स को जानते हैं। कोरल रीफ्स आर द लार्जेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑन अर्थ। कोरल्स को दुनिया का लार्जेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर माना जाता है, मतलब कि ये अर्थ पे रहने वाले लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर हैं। इनफैक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, जो कि 344,400 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, जो कि आउटर स्पेस से भी देखी जा सकती है। कोरल रीफ्स आर द सिटीज ऑफ द ओशन। मरीन बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ओशन में रीफ्स की प्रेजेंस सिर्फ 8% है, पर फिर भी ये ओशंस में रहने वाले 25% क्रिएचर्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। कोरल रीफ्स आर अ ट्रेजर फॉर मेडिकल साइंस। कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि कोरल्स की कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनसे कैंसर की मेडिकेशन भी बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, कोरल्स पे लगातार चल रहे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इनमें कई सारे डिसीजेस जैसे कि अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, स्किन डिसीजेस जैसे इलनेस को ट्रीट करने का काफी पोटेंशियल है। कोरल्स आर प्रोबेबली द स्लोवेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। कोरल्स एक पूरे साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही ग्रो कर पाते हैं, विच इज वेरी स्लो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि द ग्रेट बैरियर रीफ को अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म तक पहुंचने में कितने मिलियन ईयर्स लगे होंगे। दिस इंडीड इज अ मार्वल ऑफ नेचर। कोरल्स हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। कई सारी स्टडीज से पता लगाया गया है कि कोरल्स की लाइफ स्पैन अराउंड 5,000 ईयर्स तक की हो सकती है, विच प्रोबेबली मेक्स देम द ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। ये तो कोरल्स के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स थे, पर हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्लेनेट पे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोरल रीफ्स आर होम टू अ लॉट ऑफ मरीन क्रिएचर्स। कोरल रीफ्स वैरायटी ऑफ मरीन क्रिएचर्स के लिए खाने और रहने के लिए सुइटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं, जो माना जाता है कि इनके बिना इम्पॉसिबल होता। इनफैक्ट ये रीफ्स 100 स्पीशीज ऑफ जेलीफिश, अराउंड 1625 टाइप्स ऑफ फिशेज, 133 वैरायटीज ऑफ शार्क्स एंड रेज, एंड मोर देन 30 टाइप्स ऑफ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स को सपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोरल्स कीप आवर शोर लाइंस सेफ। कोरल्स कुछ इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक लंबे बैरियर जैसा शेप ले लेते हैं, और ये बैरियर जैसा स्ट्रक्चर किसी प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम करता है, जिससे कि कोस्टलाइन और कोस्टलाइन के आसपास वाले एरियाज को ओशंस में होने वाले डिस्टरबेंसेस जैसे कि सुनामी और स्टॉर्म से बचाती है। और कोरल्स की ही वजह से ओशंस के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है। कोरल्स आर फिल्टर्स ऑफ द ओशंस। कोरल रीफ स्पॉन्जेस की तरह भी काम करते हैं, जो कि ओशन में प्रेजेंट पर्टिकुलेट मैटर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आसपास के एरियाज को क्लीन रखते हैं। इतना ही नहीं, ये बाकी के ऑर्गेनिजम्स को भी एक हेल्दी सराउंडिंग देते हैं, जो कि कोरल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोरल्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ओशन। कोरल्स एक शेल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, और ये स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट नाम के केमिकल कंपाउंड से बनी हुई होती है, और इस कंपाउंड को बनाने के लिए कोरल्स ओशन में प्रेजेंट CO2 को यूज करते हैं, जिससे प्रोबेबली ओशन में CO2 का बैलेंस बना रहता है।
ये कोरल रीफ और ओशियन इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इतने इंपॉर्टेंट क्रिएचर का एग्जिस्टेंस अब खतरे में आ चुका है। इनफैक्ट कोरल आउटलुक देखा जाए तो पिछले कुछ डेकेड्स में द ग्रेट बैरियर रीफ की मोर देन 50% कोरल्स या तो मर चुकी हैं या डैमेज्ड है, एंड दिस इज वेरी सीरियस। मरीन बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इन कोरल रीफ्स के डैमेज या मरने के दो मेजर रीजन हैं, कोरल ब्लीचिंग एंड फिशिंग एक्टिविटीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये दोनों थ्रेड्स एक्चुअली में हैं क्या। फिशिंग एक्टिविटीज, कोरल्स की प्रेजेंस वाले एरियाज में फिशेस की पॉपुलेशन और वैरायटीज दोनों ही ज्यादा होती हैं, और इसी वजह से यहाँ फिशिंग भी ज्यादा होती है। पर फिशिंग के लिए यूज किए जाने वाले गियर्स जैसे कि फिशिंग नेट्स, केजेस एंड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ब्लास्ट फिशिंग की टेक्निक्स जिसमें पानी के अंदर एक्सप्लोजिव से फिश को मारा जाता है, ये सब यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के कोरल्स बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। कोरल्स या तो टूट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका रीग्रो हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम है कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल्स की सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस जैसे कि राइज इन वाटर टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कोरल्स स्ट्रेस्ड हो जाती हैं और अपने टिश्यूज से चिपकी हुई एल्गी को झाड़ के अलग कर देती हैं, जिसकी वजह से कोरल्स की बॉडी में जिंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बंद होने लगते हैं और कोरल्स इवेंचुअली मर जाते हैं। इसी फिनोमिना को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, और कोरल्स के स्ट्रेस होने के ऑलमोस्ट सारे रीजंस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हैं। तो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कोरल रीफ्स को बचाया जाए, जिसकी शुरुआत है सबसे पहले लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना, जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, क्योंकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होगी उतनी ही जल्दी हम इन कोरल रीफ्स को वापस रिवाइव करने में हेल्प कर सकेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।